इसका मैं इस्तेमाल भी बताऊंगा कि करना है और कहाँ मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए, इस टाइप का होता है कि जब आदमी मर रहा होता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि ये एलोपैथिक दवाई आपके ऊपर चलाई जाए या फिर आयुर्वेदिक चलाई जाए। दोस्तों, आपको मैंने जो 5 रुपए की नीली सी चीज दिखाई वो वास्तव में फलदार पौधों के लिए संजीवनी का काम करती है। अगर आपका फलदार पौधा किसी कारण से मर रहा है, यानी उसके पत्ते गिर चुके हैं और लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, तब भी वह नीली चीज जो कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाई है आपके मरते हुए पौधों को बचा लेगी। कौन सी है वह नीली सी चीज जिससे कि आपका पौधा बच सकता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मरते हुए फलदार पौधों को कैसे बचाएं, चाहे वो ऑनलाइन आए हैं, चाहे आप लोकल नर्सरी से आए हैं, चाहे वो जमीन में लगे हैं, चाहे गमले में लगे हैं, आपका मरता हुआ फलदार पौधा बच जाएगा। यहाँ तक कि फूल वाला भी पौधा होगा तो वो भी बच जाएगा, चाहे वो डेकोरेशन वाला प्लांट होगा वो भी बच जाएगा। वो नीली चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। साथ में अगर आप फेसबुक पेज को भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम लोग पौधे को ऑनलाइन से बाई करते हैं या फिर लोकल नर्सरी से लेके आते हैं और पौधे का प्लांटेशन जमीन में करते हैं या फिर गमले में करते हैं और कुछ दिनों के बाद ऐसी समस्या आ खड़ी होती है कि पौधे की सारी पत्तियां गिरने लगती है और ऊपर से टहनी सूखने लगती है। दोस्तों, क्या कारण होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कारण है फंगस और वायरल डिसीज, यानी कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी हो सकती है और फंगल जो डिजीज है वो भी हो सकती है। दोस्तों, फलदार पौधों को हम ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर लोकल नर्सरी से लेके आते हैं और पौधे का प्लांटेशन जमीन में करते हैं या फिर गमले में करते हैं और कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि पौधे की सारी पत्तियां ड्रॉप हो जाती हैं, चाहे जमीन में लगे हों चाहे गमले में लगे हों, टहनी ऊपर से सूखने लगती है और पौधा मरणासन स्थिति में आ जाता है और कह सकता हूँ लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है। और ये बहुत ख़राब कंडीशन होती है और इसमें गलती अपनी ही होती है और कहीं कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि अपनी गलती नहीं होती, जैसे बैक्टीरियल प्रॉब्लम मिट्टी के अंदर हो जाती है या फिर फंगस की समस्या हो जाती है, पानी ज़्यादा चला गया उससे फंगस की समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं संपूर्ण जानकारी भी दूंगा और निदान भी बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, पौधे को आपने अगर गमले में लगाया हुआ है और आपने ओवर वाटरिंग कर दी, चाहे वो नींबू का पौधा हो, चाहे अमरूद का पौधा हो, चाहे चीकू का पौधा हो, अगर फंगस लग गई मिट्टी के अंदर किसी भी कारण से, हो सकता है आपने गोबर की कच्ची खाद दे दी तो भी फंगस हो जाएगा। और पौधे की पहले धीरे धीरे पत्तियां सूखती हैं, बाद में टहनी सूखने लगती है, बाद में लग जाता है डाईबैक। आप टहनी काटते रहिए और नीचे प्लांट सूखता चला जाएगा और ऐसी स्थिति में पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। और मैं अपने व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ लोग गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और अगर बैक्टीरियल डिजीज हो गई है आपके प्लांट में, चाहे वो जमीन में लगे हों चाहे गमले में, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। बहुत सारे उपाय होते हैं, आप इनसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फलदार पौधों में या डेकोरेशन प्लांट में फंगस लग गई है रूट में, तो कई तरीके होते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका होता है जो घर में मिल जाता है वो हल्दी पाउडर है, और आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर अपने प्लांट में की मिट्टी में घोल के दे दें। तो अगर हल्की फंगस है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर हल्की फंगस है तो सही हो जाएगा, लेकिन फंगस भी कई तरह की होती हैं। अगर खतरनाक वाली फंगस आपके प्लांट में लग गई है या खतरनाक वाले बैक्टीरिया का अटैक हो गया है, तो आपको मैं जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वही काम करेगी। दोस्तों, ये देख सकते हैं, और जिन लोगों ने वीडियो को यहीं से स्किप कर दिया वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जरा पास से दिखाइए। ये देखिए, ये है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, तूतिया भी बोलते हैं इसको। इसका मैं इस्तेमाल भी बताऊंगा कि पौधों में कैसे कैसे आपको करना है और कहाँ मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए, इस टाइप का होता है तूतिया, और ओरिजिनल लीजिएगा, इसमें डुप्लीकेट भी आता है। ये पंसारी के यहाँ दोस्तों मिलेगा, जो पंसारी लोग होते हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। नीला थोथा बोलते हैं, तूतिया बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। आम के पौधे के लिए या कोई भी फलदार पौधे के लिए ये संजीवनी का काम करता है। मैंने अपने कई प्लांट्स में ट्राई किया है, मेरे एक प्लांट में ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं छुपाता आप लोगों से,
मैं अभी वो आपको प्लांट भी दिखाऊंगा। और मैंने इसका प्रयोग अभी मात्र 15 दिन पहले किया था उस प्लांट पर, और उसमें डाईबैग भी लग गया था और उस प्लांट को मैंने बचा लिया। तो सबसे पहले मैं उस प्लांट के पास आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, आप मेरे सामने जो प्लांट देख रहे हैं, ये एक मैंगो का प्लांट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फंगल और बैक्टीरियल दोनों अटैक हो गया था, और ये पौधा बहुत पूरी तरीके से डैमेज हो गया। सारी पत्ती गिर चुकी थी, सारी पत्ती, ये देखिए अभी पत्तियां यहाँ गिरी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डाईबैग शुरू हो गया था, और मैंने इसे काट कर यहाँ से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा दिया है, सील्ड कर दिया है। और दोस्तों, जो मैंने आपको नीली चीज दिखाई, नीला थोथा, मैंने 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल कर सुबह पानी में डाल दिया, भिगो दिया था, और उसका प्रयोग मैंने शाम को यानी 8 बजे के आसपास किया, यानी कि 12 घंटे करीब मैंने इसको भिगो के रखा था। प्लास्टिक के बाउल का प्रयोग करना है, जो कि वेस्टेज हो, घर में खाने वाले जो भी बाउल होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। आप कोई वेस्टेज ऐसा प्लास्टिक का कटोरा ले लीजिए जो आप प्रयोग ना करते हो, उसी में इस नीला थोथा को 5 ग्राम, बड़ा प्लांट है तो 5 ग्राम, छोटा प्लांट है तो 2 ग्राम डाल दीजिए 1 लीटर पानी में। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो पानी आप इसमें डालेंगे, इसकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। अगर इसमें पहले से ही पानी पड़ा हुआ है तो थोड़ा वेट करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फंगस है। तो आप जो 1 लीटर पानी इसमें डालेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी रूट में एब्जॉर्ब कर लेगा ये नीला थोथा। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सिर्फ 15 दिन का रिजल्ट है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए पत्तियां, देखिए बिल्कुल ग्रीन है, बाहर निकल आई, ये देखिए डाईबैक वाले पौधे को मैंने बचाया है, ये देखिए। और यहां से भी पत्तियां आप धीरे धीरे आ रही हैं। तो अगर आपके यहां ऑनलाइन पौधा आया है या लोकल नर्सरी से लेके आए हैं, डाईबैक लग गया है, फंगस हो गई है, जमीन में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो तूतिया यानी नीला थोथा का आप प्रयोग करें, कॉपर सल्फेट, बाजार में 5-10 रुपए का मिल जाएगा आपको, हमारे यहाँ तो आसानी से मिल जाता है। और कभी कभी मेरे को पौधों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पानी देना पड़ता है गमलों में, तो कभी कभी गमले में क्या होता है कि पानी ड्रेन नहीं हो पाता, और इस टाइप की समस्या खड़ी हो जाती है, पानी नहीं निकला, और मेरे पास तो बहुत सारे गमले, मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो उसी का नतीजा ये है कि मेरे प्लांट में फंगस हो गई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। दोस्तों देख लीजिए, आपके सामने पौधे को बचा लिया है, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के प्लांट्स को बचाए हैं, अपने व्हाट्सएप में देखकर बताया है। जिन लोगों का पौधा अगर बच गया है मेरे बताए हुए तरीके से, तो कमेंट जरूर करिएगा। और ये जो मैंने आपको आज तरीका बताया, बहुत कारगर है, आप बाजार से ले आइए। और अगर कोई फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट में हो गया है, एक बार आपने आज जैसे कर दिया, तो आपको 15 दिन के बाद ये दोबारा दोहराना है प्लांट में। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी में प्रॉब्लम है, मिट्टी ही खराब आपने बना दी है, ज्यादा फर्टिलाइजर दे दिया है, तो प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए, नॉर्मल मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइजर ना दीजिए। आप इस चीज को समझिए, अगर आपने गोबर की खाद ज्यादा फर्टिलाइजर के साथ भी पौधे का प्लांटेशन किया है, नए पौधे का, और ऐसी कंडीशन हो गई है, तो पौधे को निकाल लीजिए और नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए और छांव में रखिए, और इसका प्रयोग कर लीजिए तूतिया का, 100% पौधा बच जाएगा, ये मैं इतना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। रूट बॉल को छेड़ना नहीं है, ऐसे ही निकाल लीजिए साइड से मिट्टी हटा के। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन बताने वाले बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन ये जो मेरा तरीका है, अपना तरीका है, और मैं इसी तरीके से पौधों को बचा लेता हूं, मेरा यहाँ कोई पौधा मरता नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो नीली चीज बताई, वो है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, तूतिया कह सकते हैं, और उसका प्रयोग आप अपने पौधों में कर सकते हैं। बहुत बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये केमिकल है या ऑर्गेनिक, तो सबसे पहले उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब आदमी मर रहा होता है, तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि ये एलोपैथिक दवाई आपके ऊपर चलाई जाए या फिर आयुर्वेदिक चलाई जाए। इस चीज को समझने की थोड़ा कोशिश करिए। पौधा जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है, तो कभी कभी हमें केमिकल वाली चीजों का भी प्रयोग करना पड़ता है। बाद में अगर आपको नहीं करना है तो ना करिए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि पौधा बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाए, तो आप ऑर्गेनिक छोड़कर अगर ऐसी कोई दवाई मिलती है जैसे मैंने आपको आज बताई, तो आपका पौधा बच जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से, नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।